हेलो गाइस, तो मैं आपको बताऊँ, आज से लगभग 1 ईयर पहले मैंने एक वेटर वाली वीडियो बनाई थी दुबई पे। उसको काफ़ी सारा प्यार मिला आप लोग का। 20,000 लोगों ने उस वीडियो को देखे, उससे भी अधिक लोगों ने देखे, और कई लोगों ने कमेंट किया उस पर कि भाई आप ये बताओ कि अभी के टाइम पे अगर हमको वेटर का काम करना हो दुबई में तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है जॉब करने के लिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मिनिमम आप अगर 10th और 12th पास हो तो आराम से ये काम कर सकते हो। बस इसके लिए कुछ छोटी मोटे रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगा। जॉब आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इस पर सैलरी काफी अच्छी मिलती है, मैं शेयर करूंगा लास्ट में। पहले मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट शेयर कर दूं। देखो, वेटर वर्क के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास, और थर्ड है बेसिकली आप लोग का वैलिड पासपोर्ट, फोर्थ है आप लोग का हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस, फिफ्थ है आप लोग का पुलिस सर्टिफिकेट, क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉपी और जॉब ऑफर लेटर कॉपी भी लगती है। ठीक है, तो इस जॉब को करने के लिए इसके इंटरव्यू में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको काफ़ी ज़रूरत होती हो जरूरत पड़ेगी। एज अभी के टाइम पे अगर आपको पता चल जाए तो वो चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो। पहला होता है आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल। देसी स्टाइल में कई लोग बात करते हैं तो ऐसा हो कि मतलब आपके बोलने के जो तरीके हो काफ़ी अच्छे, क्योंकि कस्टमर से आपको डील करने होते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है आप लोग का इंग्लिश काफ़ी रिक्वायर्ड होता है इसमें। ठीक है, इंग्लिश पे काफ़ी ध्यान देना, क्योंकि जो भी कस्टमर्स होते हैं दुबई में अधिकतर फॉरेनर्स होते हैं, तो क्या होता है उसमें आप लोगों को बात करने में भी आना चाहिए और समझ में भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो वेटर वर्क के लिए ये ध्यान देना। थर्ड है बेसिकली आपके फोटोग्राफ्स लगते हैं जो कि कलर्ड होने चाहिए, या फिर अगर आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी के तौर पे देने पड़ते हैं। वैलिड पासपोर्ट है तो भी ठीक है। ठीक है, तो अप्लाई आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तो एजेंट के थ्रू कर सकते हो, अगर आपको पहले से दुबई में रहता है तो अच्छे एजेंट का नंबर दे देगा, या फिर ऐसे एजेंट को आपको खुद ही ट्रस्ट करना पड़ेगा जो पहले पैसे ना मांगे, आपके ऊपर कोई फ्रॉड ना हो, तो ये चीज़ ध्यान देना। ये सब चीज़ों के चक्कर मत पड़ना, पहले पैसे मांगे तो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉड के चक्कर में आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। देखो, वेटर की जो सैलरी डिपेंड करती है वो अधिकतर लग्जरीज होटल में काफी अच्छी मिलती है, बट जो नॉर्मल होटल होते हैं एवरेज सैलरी की बात करें तो 1500 AD से लेकर के आपको 3500 AD तक मिल जाता है। तभी नेक्स्ट बेस्ट आप लोग कोई डाउट कमेंट करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय।